हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल बैक टू ए वी के एस अकेडमी सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आर यू एलिजिबल फॉर सी ए पी एफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू अगर आप सी ए पी एफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एग्जाम की तारीख कर रहे हो देन आप ये जान लो अपना एज क्राइटेरिया 2021 एग्जाम से मैच करता है कि नहीं whether you are eligible for this 2021 exam according to age criteria or not ये वीडियो में हम देखते हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और AVKS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है वो चैनल भी आप ज्वाइन कर ले ताकि इन फ्यूचर 2021 या 2022 एग्जाम के लिए स्पेशली सी ए पी एफ एग्जाम के लिए काफी सारे अपडेट्स हम देते रहते हैं तो डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको अवेलेबल करवा देंगे ठीक है तो अभी चलते हैं आपके वीडियो के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं फर्स्ट जो है आपका 2021 एग्जाम का रहेगा सेकेंड 2022 एग्जाम का रहेगा फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे 2021 का उसके बाद हम आपको पता चल जाएगा 2021 22 एग्जाम को कैसा डेट ऑफ बर्थ होने वाला है सो so, ये वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम ऑन ऑट या आपका कोई और भी फ्रेंड्स या दोस्त भी दे रहे हैं सी ए एग्जाम तो आपको आराम से जो है डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग आइडिया आ जाएगा उसके बाद कोई डाउट्स यहां पे आपके नहीं रहेंगे और कैटेगरी इसके साथ साथ हम सेंट्रल सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में नहीं इन डिटेल और एक वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेकिन फिलहाल आज थोड़ा आपको प्रोवाइड कर देंगे सो so, टू थाउजेंड एग्जाम के लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हो जनरल या ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है सेकेंड अगस्त नाइनटीन से लेके फर्स्ट अगस्त 2001, 2001 1st August 2001 के बीच में होना चाहिए उसका मतलब 2nd अगस्त टू अगस्त 2001 के बीच में अगर आपका है, then you are eligible for 2021 होना चाहिए क्लियर तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का कोई क्लेम नहीं है आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हो सेम ईडब्लू का भी सेम रहेगा जनरल और ई दोनों का सेम है दोनों के लिए कोई एज रिलैक्सेशन क्लेम जो है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है तो फिर से एक बार मैं कंफर्म कर देता हूं सेकेंड ऑफ अगस्त 1996 नाइन्टी सिक्स टू फर्स्ट ऑफ अगस्त 2001। थाउजेंड वन इज ए क्लियर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओबीसी का ठीक है अभी हम ओबीसी का देखते हैं ओबीसी का सेकेंड ऑफ अगस्त 1996 नाइन्टी टू फर्स्ट अगस्त 2001 जो है ये आपका रेफरेंस हो गया ये कॉमन है ठीक है क्योंकि जनरल का भी सेम है लेकिन यहाँ पे आपको प्लस थ्री इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है मतलब यहाँ पे आपको थ्री तीन साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ बनेगा अगर आप सेकेंड अगस्त नाइनटीन टू लास्ट क्या है आपका फर्स्ट ऑफ अगस्त 2001 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सेकेंड अगस्त 1993 नाइन्टी थ्री टू फर्स्ट अगस्त टू के बीच में है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम मतलब अपकमिंग 2000 थाउजेंड यहाँ पे टू जीरो लिखा है 2021 एग्जाम ओके okay, देखो आ, फिर से एक बार मैं क्लरिफाई कर दूंगा सेकेंड अगस्त 1993 नाइनटी थ्री टू फर्स्ट अगस्त टू अगर यहाँ पे सेकेंड की जगह फर्स्ट भी आ गया समझ लो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम ठीक है सेकेंड से पहले आप एलिजिबल नहीं रहोगे सेकेंड अगस्त 1993 टू फर्स्ट अगस्त 2001 थाउजेंड इज इट क्लियर नेक्स्ट अभी हम देखते हैं एस और एस कैटेगरी का दोनों का सेम है ये आपका रेफरेंस एज है मतलब रेफरेंस डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको फाइव इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन मिलेगा मतलब फाइनली uh, आपका जो है एज uh, मतलब डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके का रहेगा सेकेंड अगस्त 1991 नाइन्टी वन टू फर्स्ट अगस्त 2001 मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सेकेंड अगस्त 1991 से लेकर फर्स्ट अगस्त 2001 के बीच में है देन यू आर एलिजिबल फॉर 2020 एग्जाम तो ये रहा आपका रेफरेंस डेट ऑफ बर्थ ठीक है एस सी दोनों का सेम रहेगा प्लस फाइव ईयर्स प्लस फाइव ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन फिर से मैं कन्फर्म कर दूंगा आप 2001, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो सेकेंड अगस्त 1996 नाइन्टी सिक्स टू फर्स्ट अगस्त टू अगर आप ओ से बिलोंग करते हो सेकेंड अगस्त 1993 नाइनटी थ्री टू फर्स्ट अगस्त टू अगर आप एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो सेकेंड अगस्त 1991 से लेके फर्स्ट अगस्त 2001 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जनरल और ए का दोनों का सेम है वहाँ पे कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला ठीक है इसके अलावा सेंट्रल सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ठीक है सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में काफी फर्क है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय दूसरा है सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय दूसरा है फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिफेंस में रहोगे तो आपको जो है सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है रिलैक्सेशन क्लेम करने को नहीं मिलेगा अगर आप सी एफ पी एफ में हो आप अगर एज एन सर समझ लो आप बी एस एफ में एज एन कॉन्स्टेबल भी uh, करते हो मतलब वर्किंग एज एन कॉन्स्टेबल ऑल्सो आपको जो है फाइव इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला है लेकिन इसके बारे में इन डिटेल और एक वीडियो में हम देखते हैं 2022 एग्ज़ाम का भी एक बार देख लेते हैं 2022 का सेम है यहाँ पे 1996 जो है सिक्स प्लस वन हो जाएगा ठीक है मतलब 1997 नाइन्टी सेवन यहाँ पे फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड वन है ना तो यहां पे प्लस वन हो जाएगा ठीक है तो तो फाइनली यहाँ पे बनेगा फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड टू ठीक है ना सेकंड अगस्त नाइनटीन नाइनटी सेवन टू फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड टू अगर आप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एग्जाम के पे लिए प्रिपेयर कर रहे हो जनरल और ई दोनों का सेम ई दोनों का सेम है अगर कोई होता है कुछ चेंजेस होते हैं तो बाद में हम फिर से अपडेट करते हैं फिलहाल के लिए तो बस इतना ही है नेक्स्ट अगर ओ हो तो नाइन नाइनटीन नाइन्टी यहाँ पे है थ्री प्लस वन फोर फोर आ जाएगा यहाँ पे 2001 है तो टू आ जाएगा ठीक है 2002 तक फर्स्ट अगस्त 2002 तक सेम वे एस और एस का 1991 है तो प्लस वन यहाँ पे 1992 हो जाएगा और टिल फर्स्ट ऑफ अगस्त टू तो, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइव इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन मिलता है सो so होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा एंड अगर आपको कोई भी और, और भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो हम डेफिनेटली आपके क्वेरीज़ को रिप्लाई करेंगे अगर आपका क्वेरी जेन्यून है ठीक है सो अगर आपको कुछ क्वेरी आप कमेंट करना है तो इन डिटेल आप कमेंट करो अगर आप कुछ आ, आप डायरेक्टली बता देते हो सर मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है क्या मैं एलिजिबल हो कि नहीं लेकिन आप ये नहीं बताते हो कि मेरा कैटेगरी कौन सा है मेरा कैटेगरी जनरल है या मेरा कैटेगरी ई है या ओ है या सी एस है तो इन डिटेल बता दो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो तो डायरेक्टली हम आपको के बता देंगे कि आप एलिजिबल रहोगे कि नहीं रहोगे अगर आप एलिजिबल रहोगे तो कितना ईयरस आपको जो है और आ, मतलब अटेम देने को मिलेगा सब कुछ जो है हम आपके क्वेरीज को जो है आंसर करेंगे अगर आप कमेंट करते हो ठीक है और ये वीडियो को शेयर भी करना ताकि आपके जो भी दोस्त हैं, तो उनको भी पता चले कि ऐसा भी कुछ है एज क्राइटे क्राइटेरिया के रिगार्डिंग ताकि उनको भी पूरा आइडिया मिल जाए ठीक है एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच डू जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन के नीचे हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट